used for the grouting, procedure of grouting, grouting equipments, and last one is the types of grouting. So first let's start with the grouting. Grouting is the process of injecting mixture of cement, sand, water at a high pressure in the cracks, joints and voids. Next is the purpose of grouting. To increase the density of foundation, to increase the bearing capacity of soil, to strengthen the porous concrete, to prevent the seepage of water from dam and a tunnel or a canal, to reduce the uplift pressure of dam, to fill the cracks in a reinforced concrete. Next one is the materials used for the grouting. There are various materials which are used for the grouting, in that first is the cement plus water, next is the cement, stone dust and water, cement, clay and water, cement, clay, sand and water, and last is the cement, clay or a water. Last one is the admixtures. Then next one is the procedure of grouting. जो भी हम प्रोसेस करेंगे ग्राउटिंग के लिए, उसमें से फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आता है कि जैसे क्रैक्स की बात करें, तो जो भी क्रैक्स है उसको हम पहले क्लीन कर देंगे, जो भी वायर ब्रश है उसके उसको रफ करके पूरी क्रैक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे। सेकेंड प्रोसेस आती है उसके अंदर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या रहेगा कि जो भी क्रैक्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के अंदर हम ड्रिलिंग मशीन से छोटे छोटे होल्स क्रिएट करेंगे, एज वी कैन शो इन फिगर। देन आता है कि जो भी हमने होल्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी ग्राउटिंग पाइप्स है, छोटी छोटी प्लास्टिक की पाइप्स है, उसको हम इंसर्ट करेंगे जो भी हमने होल्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर। देन लास्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है इंजेक्शन ऑफ मटीरियल। जैसे कि हमने जो भी ग्राउटिंग पाइप्स ऐड किए क्रैक्स की डायरेक्शन में, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्राउटिंग मटीरियल है, जैसे सीमेंट और सैंड है या तो फिर सीमेंट मोर्टर है, उसको हम प्रेशर से इंजेक्शन के थ्रू जो भी होल्स है उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। ये थी पूरी प्रोसेस किस तरह से हम ग्राउटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राउटिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं और उसके कंपोनेंट क्या है वो हम देखेंगे। उसके अंदर है फर्स्ट है एयर कंप्रेशन। एयर कंप्रेशन का यूज़ क्या होगा कि जो भी हम मटेरियल इंजेक्ट करने वाले हैं ग्राउटिंग होल्स के अंदर या फिर पाइप के अंदर, उसके अंदर जो भी प्रेशर चाहिए होगा वो कहाँ से हमें मिलेगा, एयर कंप्रेशर के अंदर से। सेकेंड है ग्राउट मिक्सचर। ग्राउट मिक्सचर के अंदर हम जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो मटेरियल हम पहले उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद वाटर फूट करके हम उसको मिक्स करेंगे। वो सारी प्रोसेस किसके अंदर होगी, ग्राउटिंग मिक्सचर के अंदर। देन है ग्राउट रिजर्वॉयर टैंक। उसके अंदर हम वाटर भी स्टोर कर सकते हैं एज वेल एज हमने जो भी मटेरियल प्रिपेयर किया है ग्राउटिंग के लिए वो भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है होल्स, वाल्व और प्रेशर गेज। उसके अंदर क्या होता है कि वाल्व रहता है कि जैसे हमें जब भी ग्राउटिंग करना है तो हम वो वाल्व ओपन करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा मटेरियल है वो आगे पास होगा, और जब हम वाल्व बंद कर देंगे तो वो मटेरियल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये थे कंपोनेंट और इक्विपमेंट जो हम ग्राउटिंग के प्रोसेस के अंदर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग। मेनली ग्राउटिंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इन दैट फर्स्ट इज द कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग इज यूज्ड फॉर द शैलो डेप्थ ऑफ द ग्राउटिंग। इन कंसोलिडेशन ग्राउटिंग प्रेशर इज 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज increased by consolidation of soil layers. Then second one is the stage grouting. It is carried out in a different stages when depth or length of grouting or a crack is more, stage grouting is adopted. If the thickness is more, it is divided into stages of 1 meter each part and grouting is carried out step by step or one by one. Next is the curtain grouting. It is done to prevent the seepage of water below foundation of a dam or a canal. I hope you people are getting some valuable knowledge about the grouting process. Here I am giving you a link of multiple choice question from which you can evaluate your knowledge about the grouting. So in last, thank you.